दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वे कभी भी भूल कर उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया। एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें खूब पीटा और घर पहुंचकर रूखा सूखा चारा उनके सामने डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोड़ लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें अपने स्थान पर देखा तो वह सब समझ गया था और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, पर झूरी की पत्नी उसने देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया। वे फिर भी खुश थे। अगले दिन गया फिर से उन्हें ले जाने आया, लेकिन इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दी जाए, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर खेत में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांध देता। उनके सामने रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर एक छोटी सी बच्ची थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बड़ा बुरा लगता और रात को छुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन रस्सी को चबा कर लड़की ने रस्सियां तोड़ डाली। तब उस लड़की ने देखा और उन दोनों बैलों को खोल दिया। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला कि वो दोनों बैल भाग चुके हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे भागा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींग पर से वार किया। सांड घबराया और किसी एक को तो मार कर कचुंबर निकाल सकता था, लेकिन यहाँ दो थे, मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर सांड के पीछे भागा, पर हीरा ने उसे अधिक दूर तक न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो उन्हें रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़ियाँ, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए भी न चारे का प्रबंध था न पानी का। उन्होंने सोचा कहाँ आफत है। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। दो चार चोटों से ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगाना शुरू की। रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसे और बकरियाँ।
मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया। उसने हीरा को भागने के लिए कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मारकर रह गया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो आश्चर्य होना हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली कर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी न रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ जाने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया। आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे व्यापारी, पर जब तक उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। वह उन्हें से लिपट गया। इतने में वहां व्यापारी आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने न आव देखा न ताव। वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। इतने में झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।